क्या बिक रहा है? नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द पहाड़न गर्ल पर। और आपको बताया था मैंने लास्ट ब्लॉग, अगर आपने देखा है तो मैं जंजैरी आई हूँ। तो आज है हम लोगों का डे सेकंड। तो आज हम लोग जाने वाले हैं शिकारी माता मंदिर। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे को इवन स्वेटर पहननी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा ठंड है मतलब। और बाकी व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। ये जो व्यू है ना, रास्ता मतलब शिकारी माता के मंदिर जब जाते हो ना, तब रास्ते में इतना सुंदर सुंदर व्यू आते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शिकारी माता मंदिर, और उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो पूरी वीडियो देखना, तभी आपको स्टोरी पता लगेगी उस मंदिर की। तो मैं जल्दी मिलूँगी, बाय बाय। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ शिकारी माता मंदिर। मंदिर तो नहीं पहुँची, वहाँ से तो अभी एक ट्रैक शुरू होगा, छोटा सा ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर मैं जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ की ब्यूटी है ना, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वाओ कितनी ग्रीनरी है ना यार। जब सोचो बर्फ गिरती होगी तो सोचो कैसे होता होगा यहाँ पे। अब हम लोग अपना छोटा सा ट्रैक शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जंजैरी से जब आप शिकारी आते हो ना, तो ये 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और जो ये रास्ता है ना, ये थोड़ा ऑफ रोड है, मतलब ख़राब भी नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं बोल सकते, ओके ओके है। और जो ये सीढ़ियाँ हैं ना, 550 सीढ़ियाँ जो हमने चलनी है। तो चलिए, सामने आप जो देख रहे हो ना, ये है शिकारी देवी मंदिर का गेट। यहाँ से ना हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी, और साथ में ये खच्चर है। मेरे को ना इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ना कभी भी लात मार देती है। ये लात भी मारती है खच्चरे। चलूँ कैसे, लात पैर मारी अगर। बोल प्रसाद ले लेते, हम लोगों ने ना आई थिंक 100-150 सीढ़ियां तो चल ही ली है, पर जो सांस फूल रही है ना पूछो मत। और जो वेदर है, जो आसपास से पेड़ है, ऐसे जाते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ऐसी जगहों पे आके ना, सच बोलूँ तो शांति मिलती है। थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि मैं ना नीचे से भाग भाग कर आई थी कि मैं जल्दी पहुँचूँगी, एटलीस्ट मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, पर नहीं, थोड़ा आराम से चलूँगी अब। और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड है, और मुझे सच में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, और हवा भी चल रही है। तो चलो अभी देखो कितनी और सीढ़ियाँ चलनी है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अभी ये सीढ़ियां तो यहाँ तक बंद है, ये बंद है अमोर, यहाँ से रास्ता। जो ये सीढ़ियां है ना, शायद आजकल बन रही है, नई मतलब थी, पहले टूट गई थी वो, जैसे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है सीढ़ियों की।
बाल ठंडे हो गए, बहुत ठंड है। बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं शिकारी माता मंदिर। आप सामने जो देख रहे हो ना, वहाँ टॉप पे जाना है हम लोगों को। बस थोड़ा सा चलना है, आधा घंटा हुआ है हम लोगों को अभी चलते चलते। और सीढ़ियों की रेनोवेशन हो रही है, तो बीच में आपको थोड़ा सा साइड भी लेनी पड़ती है। पहुंच चुके हैं शिकारी माता मंदिर, तो चलिए अंदर दर्शन करने चलते हैं। पहले मंदिर तो पहुंच गया ना, पर सबसे पहले मैं दर्शन करूंगी, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी। मैं आपको सुंदर सा नजारा दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा सुंदर व्यू है। और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, आप सामने देख रहे हो। मंदिर के दर्शन ना बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। सबसे अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई, बारिश लिखी थी फिर भी बारिश नहीं हुई, भगवान जी की कृपा है, ये देख लीजिए। और इस मंदिर की जो स्टोरी है ना, अब मैं आपको बता ही देती हूँ, मैंने इतना सस्पेंस रखा हुआ है, तो पर ये स्टोरी मैं नहीं बताऊँगी, अमोल बताएंगे इस बार, तो वेट कीजिए। ये रहे अमोल शर्मा, अब अमोल बताने वाले हैं स्टोरी। अमोल कैमरे पे आने पे डरता है ना, तो पर मैंने डिसाइड किया था इस बार अमोल ही स्टोरी बताएंगे, इसीलिए अमोल करो शुरू, स्टोरी क्या है। शिकारी माता मंडी का हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे जो मंदिर है इसकी छत जो है आप देख रहे हैं नहीं है। सारे एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, 10 फीट से ऊपर बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के टाइम पे, पर फिर भी कभी भी मंदिर पे जो है वो बर्फ़ टिकती नहीं है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ़ पड़ती है, पर यहाँ पे कभी मंदिर के ऊपर टिकती नहीं है बर्फ़। ये यहाँ की एक बड़ी रहस्यमय ही बात है। अगर यहाँ के स्टोरी की बात करें तो पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पर हिमालय में रहते थे, और एक दिन शिकार करते करते अर्जुन को मिट्टी में दबी हुई एक मूर्ति मिली, जो कि शिकारी माता की है स्थापित मूर्ति है। तो वहाँ से उसे स्वप्न आया था कि इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करके तुम्हारे को आगे जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जो पांडवों द्वारा स्थापित किया मंदिर है वो शिकारी माता के नाम से जाना गया। ये काली माता का मंदिर है, पर धीरे धीरे शिकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे शिकारी बहुत ज़्यादा होते थे, उस वजह से यहाँ पे इस मंदिर को काली माता के नाम से शिकारी माता का नाम दिया गया। थैंक यू। स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आके आप ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सकते हो। हाँ, तो चलो अब मैंने आपको बोर्ड पे भी इतिहास लिखा है, वो भी एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप उसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे ना स्टे के लिए सराय भी है, आप जैसे सामने देख रहे हो। यहाँ पे आके ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और मंदिर में आके तो वैसे भी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जो शिकारी माता मंदिर का व्यू देखो आप, अल्टीमेट है ना, मुझे ऐसा सुंदर व्यू देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब अच्छा लगता है। और देखो यहाँ छत बिल्कुल नहीं है, और इसके अंदर बिल्कुल बर्फ़ नहीं जाती है, चमत्कार बोलते इसे। आप चाहे तो ना स्टोरी को पॉज करके पढ़ सकते हो, पूरी स्टोरी दी गई है शिकारी माता के बारे में। और हम लोगों का शिकारी ट्रैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अब कुछ खाते हैं, भूख लगी हुई है बहुत ज़ोरों की। हेलो अमोल, कैसा लगा? आपने क्या ऑर्डर किया खाने को? मैंने किया तंदूरी परांठा। मैंने ऑर्डर किया मैगी, बस बन रही है, भूल गए भैया बनाने।
तंदूर भी लगा है। भैया भी जी, हम लोग अब मैगी का वेट कर रहे हैं। बहुत भूख लगी। हाँ, मेरे को तो लगी है भूख। आपको? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमने डिसाइड किया था ना कि हम लोग दर्शन करके ही कुछ खाएंगे, इसीलिए बस मैगी का वेट हो रहा है। ए रहा मोटू, खाओ पराठा, और पराठे जैसा पराठा हो जाओ, आलू की तरह, जैसे आलू और मटोल है। कैसा है? अच्छा, देखो कितना बड़ा पराठा है। ये आ गई मेरी मैगी, और ये देखने में कितनी यम लग रही है। तड़के वाली बनाई है भैया ने ये मैगी। अच्छा मोल आपको, ठीक है। शिकारी माता के दर्शन ना बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चलने के लिए, क्योंकि अब सीढ़ियाँ बन गई है। अमोल भी पहले भी आए थे तो अमोल बोल रहे थे सीढ़ियाँ पहले नहीं थी, टूटी फूटी थी, पर अब ना जयराम ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर ली है यहाँ पे। इवन रोड भी खुल गए हैं, मतलब ब्रॉड कर दिया, नहीं तो बहुत कंजस्टेड थे रास्ते भी। और ये ट्रैक भी और ये दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जब भी मैं नई नई वीडियो डालूँ ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं जल्दी मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। अब मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ देवीधर, तो मैं आपको देवीधर में मिलूँगी। बाय बाय, और ये सुंदर व्यू देखिए।